इंडिया में जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश, और जो उत्तर प्रदेश बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है, आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में। साथ ही साथ हम बजट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इस बार के बजट में की क्या हाइलाइट्स हैं वो भी हम देखेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है विद ऑलमोस्ट 240 मिलियन रेसिडेंट्स। और अगर हम इंडियन स्टेट्स की इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को समझना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इस स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 22.58 लाख करोड़, जो कि 2022 से 23 में था वो 24.39 लाख करोड़ हो गया है। यहां पर हम ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी देख रहे हैं एक साल में। साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, तो वो ऑलमोस्ट 21.03 बिलियन US डॉलर्स पहुंच चुके थे इन फाइनेंशियल ईयर 2022, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फर्दर इन कमिंग ईयर्स। तो इस इमेज से, इन नंबर से, इस डेटा से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि यूपी की इकोनॉमी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है हमारे नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में, और साथ ही साथ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही फैक्ट्स और यही कॉन्सेप्ट और यही डेटा आपके स्टेट एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा बढ़े तो लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है इंडियन इकोनॉमी में, ऑलमोस्ट 18%, 17.83% ऑफ नेशंस टोटल आउटपुट, जो कि 2016-17 में देखा गया, और साथ ही साथ ये बढ़ता रहा अपकमिंग ईयर्स में। सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस सॉरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया हमारा उत्तर प्रदेश पाया जाता है। जो की क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, मेजर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं वो है राइस, वीट, मेज, मिलेट, ग्राम, पी, चना जिसे कहते हैं, लेंटिल्स, दाल। तो चावल के साथ साथ वीट है, मेज है, बाजरा है, मिलेट है, चने हैं। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, जो यहाँ के मेजर क्रॉप्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स एंड जैद क्रॉप का भी प्रोडक्शन काफी देखा जाता है यूपी में। फ्रूट्स एंड जैद क्रॉप, जो खारिफ और राबी क्रॉप्स के बीच का टाइम होता है जो यूज किया जाता है, जैद क्रॉप्स, वहां पे भी इनका प्रेजेंस देखा जाता है। बाकी टाइप ऑफ क्रॉप समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वो आप रेफर कर सकते हैं। अब अपकमिंग टाइम में, जो कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो उत्तम प्रदेश बने, और इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अपकमिंग चेंजिंग इकोनॉमी में दे पाए, इस वजह से कुछ फोकस सेक्टर्स रखे गए हैं उत्तर प्रदेश के। ये जो फोकस सेक्टर्स हैं वो अप एंड कमिंग सनराइज सेक्टर्स भी हैं और कुछ पुराने सेक्टर्स भी हैं जिनमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, इसमें अभी भी पोटेंशियल है। एग्जाम्पल के तौर पर सैमसंग की जो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई गई नोएडा में, ये प्रमोशन के लिए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज के। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें अभी भी स्कोप है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमी नहीं ले पाई है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी उसकी तरफ पुश कर रही है। सिविल एविएशन, यहां पर जो स्कीम्स हैं जैसे कि उड़ान, जो कि सेंट्रल लेवल स्कीम्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन स्टेट लेवल पे भी किया जा रहा है ताकि इस पे फोकस हो। बायोफ्यूल, जो कि एक अप एंड कमिंग सेक्टर है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सनराइज सेक्टर्स हैं, अप एंड कमिंग सेक्टर्स हैं जिनका यूपी पे फोकस है और इनसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, टू मेक श्योर कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो बेटर हो,
ताकि जिसमें ऑलरेडी उत्तर प्रदेश आगे है उससे बेटर आउटपुट अचीव किया जा सके. डिफेंस एंड एरोस्पेस अगेन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पुश देगा, एंड फार्मास्यूटिकल्स जिसमें ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा नाम है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में एस्टैब्लिश्ड हैं और उन पे और फोकस करा जा रहा है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अप एंड कमिंग सेक्टर्स हैं तो उनके पोटेंशियल का फायदा लेने की भी कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इन सबको फोकस सेक्टर्स रखा गया है. अब अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में देखा गया है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमरी सेक्टर से जो कि है एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में 10% की बढ़ोतरी देखी गई, 10% की बढ़ोतरी देखी गई करंट प्राइसेस पे. हाउएवर पिछले साल अगर हम यहां पर 2021-22 की बात करें तो वहां पे 14% की बढ़ोतरी देखी गई थी. यहां पर इशू बस इतना सा है कि ये जो हम कैलकुलेशन ले रहे हैं ये करंट प्राइसेस पे है और ये बेस ईयर पे थी, इसका बेस जो था नीचे था, इस वजह से हमें 14% दिख रहा है. बट ओवरऑल ग्रोथ जो आप देखेंगे वो कॉन्स्टेंट ही रही है. यूपी इकोनॉमी का एक छोटा सा इशू रहा है इन लास्ट वन डेकेड दैट द ग्रोथ दैट हैज बीन सीन इट हैज बीन ईदर कॉन्स्टेंट, 10% है तो 10% होती जा रही है, नहीं तो डिक्लाइनिंग है बहुत छोटे नंबर से. एक बॉम्बार्डिंग ग्रोथ, ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ, एक मेजर ब्रेक थ्रू जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ जरूरत भी है वो अभी देखने को नहीं मिला है. देन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, 22% की ग्रोथ देखी गई है और की फोकस सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करता है. अभी हमने फोकस सेक्टर्स की बात की तो उसमें से आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है. अब हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो उसमें 12% की बढ़त देखी गई. तो ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर में जो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ग्रोथ है वो सिमिलर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई है. अब कंट्रीब्यूशन बात करें कि इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में क्या रहा है कॉन्स्टेंट प्राइस पे, तो एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 24% रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 30% रहा है और जो सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 46%. इसीलिए फोकस सेक्टर्स जो भी है वो भी अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है कि किसमें ज्यादा पोटेंशियल है और विद टाइम कौन ज्यादा डिविडेंड कौन ज्यादा आउटपुट दे सकता है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को. साथ ही साथ अगर हम कंपैरिजन करें इन सारी सेक्टर्स का तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका एक कंपैरिजन दिया गया है पिछले 4 साल का. तो आप यहां पे देख पाएंगे कि जो 2020-21 का ड्यूरेशन है उसमें बहुत वेरिएशन है, बट 21-22 और 22-23 में कुछ कंपेरेटिवली सिमिलर कॉन्स्टेंसी आपको देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो 12.5% ग्रोथ थी, देन नेक्स्ट ईयर ग्रोथ डिप्ड अ लिटिल, बट उससे पहले हम नेगेटिव में थे, दैट वाज देन इंपैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक. मैन्युफैक्चरिंग में हमने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है फ्रॉम 12.1% टू 15.3%. मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है हमारी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के GSDP में. देन वी हैव सर्विसेज सेक्टर, यहाँ पर भी आप कॉन्स्टेंट देखेंगे, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट देखेंगे, 8.2% से 5.7%. और GDP की आप बात करें, GSDP की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 10.2% से अराउंड 8.3% की ग्रोथ देखी गई है. अब ये जो ग्रोथ है एज आई सेड क्यूमुलेटिव, अगर हम एक साथ लाके एवरेज आउट करें तो इट समवेयर फॉल्स अराउंड 10%. एंड यहाँ पे हमें 4 साल का कंपैरिजन दिया है, तो यहाँ पर अगर हम ये पर्टिकुलर ईयर जो कि 2021 है, क्योंकि यहाँ पे COVID-19 का भारी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको हटा दें तो यूपी की इकोनॉमी ने एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिखाई है अपवर्ड कर्व में. अब अगर हम यूपी की इकोनॉमी को नेशनल GDP के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट इसका GDP शेयर है आफ्टर महाराष्ट्र.
सबसे बड़ा जीडीपी शेयर किसका है? महाराष्ट्र का है, 15.7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेशनल जीडीपी में, बट यूपी जो है वो फॉलो करता है बाय 9.2%। तो एज कंपेयर टू महाराष्ट्र इकोनॉमी, यूपी की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा पीछे है, वो थोड़ा सा पीछे है, बट इट हैज आउटपेस्ड और भी बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु 9.1%, गुजरात 8.2%, वेस्ट बंगाल 7.5%, इनको आउटपेस कर दिया है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। तो अभी सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, देन वी हैव उत्तर प्रदेश। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक एम है गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिकमिंग अ $5 trillion इकोनॉमी, उसमें अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूपी का कंट्रीब्यूशन, और यूपी को खुद एक $1 trillion इकोनॉमी बनना है, तो एट प्रेजेंट जो यूपी का शेयर है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 20% से। तो यूपी क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है जीडीपी में, इससे फर्दर एक्सपेक्टेड है कि ये और बेटर कॉन्ट्रीब्यूट करे ताकि जो नेशनल एम्स है वो फुलफिल हो सके। जीडीपी ऑफ इंडिया जो है वो अगर 2016-17 की बात करें, दैट वाज समवेयर ऑन 150 लाख करोड़, एंड इट इज अराउंड 230 लाख करोड़ इन 2021-22। तो अगर आप 3-4 साल के स्पैन में देखेंगे तो 100 लाख करोड़ का डिफरेंस है, एंड अगेन वी आर मूविंग अपवर्ड्स। अगर आप रीसेंट एस्टिमेट्स देखेंगे ऑफ द ग्लोबल एस्टिमेटर्स एंड एज वेल एज नेशनल एस्टिमेटिंग कमिटीज, तो यहां पर जो ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है, अगेन दिस इज अराउंड 7.5%। अब अगर हम पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें उत्तर प्रदेश में, दैट इज समवेयर अराउंड ₹96,000, और एनुअल ग्रोथ जो है वो 8% की रही है एवरेज सिंस 2017-18। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड लुक इनटू द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि हमने बोला है कि इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स बिकमिंग द उत्तम प्रदेश, जिसको हम बेस्ट प्रदेश, उत्तम का मतलब बेस्ट होता है, वो बनने की कोशिश है। तो 2024 के बजट में इससे रिलेटेड प्रावधान क्या रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स क्या रहे हैं? अगर हम बात करें तो सुरेश कुमार खन्ना जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्टेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जब आप ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो सच नेम्स बिकम इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने ये इंट्रोड्यूस किया था। बजट का एक मेजर हाईलाइट सबसे पहला ऑफकोर्स था कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ने वाला है, और यहां पर हम 5.8% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहां पर जो एक्सपेंडिचर है जिसमें हम डेट रीपेमेंट को हटा रहे हैं वो बढ़ रहा है, 14% इंक्रीज देख रहे हैं। साथ ही साथ जो रीसेट्स आने वाली हैं, रीसेट मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आने वाला है बोरिंग्स को हटा के, वो भी बढ़ रहा है, 15% राइज देख रहे हैं। रेवेन्यू सरप्लस, जो रेवेन्यू आ रहा है वहां पर हम सरप्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में भी देखा गया है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है वो क्या रखा गया है, 3.46% रखा गया है, बट ये थोड़ा सा कम है जो एक्सपेक्टेड है 3.49% फॉर 2023-24 उससे। तो ये मेजर क्या है, मेजर हाईलाइट्स रही हैं बजट की जो गवर्नमेंट ने पेश की है इस पर्टिकुलर बजट में। इसके अलावा अगर हम पॉलिसी वाइज हाईलाइट्स की बात करें, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, एंड न्यूट्रिशन फूड वुमेन एंड चिल्ड्रन उसके लिए ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड। यूथ एम्पावरमेंट की बात करें, ये भी एक बड़ा हाईलाइट रहा है, इस बजट का मेजर फोकस रहा है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, जिसमें 25 लाख टैबलेट्स जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 4,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है यूथ एम्पावरमेंट के लिए। यहां पर ग्रीन एनर्जी जो कि एक फोकस सेक्टर है यूपी, उसमें भी एमओयू साइन किए गए हैं
विथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यू हीरो फ्यूचर एनर्जीज, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है अराउंड 4,000 करोड़, और एम किया गया है कि 15% इंक्रीज किया जाएगा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में बाय 2030। तो ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है, साथ ही साथ पावर सब्सिडी के लिए 2400 करोड़ एलोकेट किए गए ताकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिजली की जो दिक्कत है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फार्मर्स के प्राइवेट ट्यूबवेल्स के लिए, वहां पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर हो सके। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो 500 करोड़ के अराउंड 460 करोड़ 3 नई स्कीम्स के लिए दिए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर जो है वो ग्राम पंचायत में प्रमोट हो सके। वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया है यूपी एग्री स्कीम में, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रेंज रेन गॉज स्कीम में हाउसिंग के लिए, ताकि चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन इनिशिएटिव में डेवलपमेंट हो सके टाउनशिप्स का, वहां पर भी 3,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इवन एलोकेशन है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कवरिंग जो जो प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और इंडिकेटर्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी फोकस किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहे कि स्टेट का एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द इयर्स, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपेंडिचर रहा है। चाहे हम एजुकेशन की बात करें 14.6 इस बार है, 14.7 एवरेज रहा है। हेल्थ का जो 6.2 है एवरेज 6.2 ही रहा है। रूरल डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर 5.2 है, बट ये एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि एवरेज परसेंटेज जो एक्सपेंडिचर रूरल डेवलपमेंट पे है वो 5% रहा है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पे बात करें तो एनर्जी सेक्टर के एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, 2% की बढ़ोतरी देखी गई है, 6.7% किया गया एक्सपेंडिचर इस बार एस्टिमेटेड है, 4.7% जो है वो यूजुअल एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर रहता है। एग्रीकल्चर में एक्सपेंडिचर इस बार कम हुआ है 3.1%, एवरेज जो है अराउंड 6% रहता है। रोड्स एंड ब्रिजेस में एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है जो कि 5.9% रहता है, 5.9% इस बार किया गया, अक्सर 4.6% के औसत के अराउंड ये फॉल करता है। आज के सेशन में हमने इन डिटेल समझा कि यूपी की इकोनॉमी के बेसिक्स क्या हैं, क्या डेटा है, और उसके अलावा 2024 के बजट पर भी हमने बात की। आज के सेशन में इतना ही। ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स से कवरेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज ऑफ चाहल अकेडमी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।